इतिहासकार आचार्य मोतीरावेन कंगालिको में जय सेवा जय जोहार करता हूँ। कचारगढ़ के बारे में अनेक कहानियाँ प्रचलित है, पर गोंड समुदाय में इसकी कहानी पाटा के माध्यम से हमेशा दोहराई जाती है और सभी गोंडियन जीव इस जगह आकर कृत्य हो जाते हैं। कोयली कचारगढ़ महाराष्ट्र में आता है। दरेकसा रेलवे स्टेशन के पास ही धन्यगांव नामक गांव है, वहाँ से कोयली कचारगढ़ दृष्टिगोचर होता है। यू आकार के पर्वत श्रेणी के मध्य में एक बहुत बड़ी गुफा, जो एशिया की सबसे बड़ी गुफा मानी जाती है। गुफा का प्रवेश द्वार दक्षिणाभिमुख है। उसके अंदर दाएं बाजू में एक जलकुंड है, जहाँ 12 महीने पानी भरा रहता है। कुंड के ऊपरी भाग में करीब 20 फीट व्यास वाला एक झरोखा है, और ऐसे झरोखे से गुफा में शुद्ध हवा खिलती रहती है। कुंड के पास ही बहुत गहरा खंडक है। गुफा का प्रवेश द्वार प्राचीन काल में बहुत छोटा था, किंतु कंकाली के बच्चों को मुक्त करते समय उसे खोदा गया और उसका आकार बड़ा हो गया। गुफा के सामने कचारगढ़ पर्वत का ऊंचा शिखर है, उसे रानीगढ़ कहा जाता है। गुफा के पश्चिम पर्वतीय श्रेणी में एक कुटी है, जहाँ पांडी पारी कुपरलिंगों ने दाई कंकाली के बच्चों को मुक्त करते समय अपना ठिया बनाया था। दोनों पर्वत श्रेणियों के मध्य में काली कंकाली दाई का शक्ति स्थल है, जिसे कालिया कुंवारी देवी का ठाना भी कहा जाता है। शंभू सिंह, जो इस पृथ्वी के राजा थे, उनके साथ गौरा का निवास था। जब दाई कंकाली के बच्चे कचारगढ़ जा पहुँचे, दूध की मांग करने लगे और गौरा को सताने लगे, तब शंभू सिंह क्रोधित हुए और उन्होंने सभी बच्चों को गुफा में बंद कर दिया था। परंतु गौरा ने उन्हें दूध पिलाया था, वो उनकी माता बन चुकी थी। वह हमेशा गुफा के खुफिया रास्ते से जाकर उनको खाना खिलाया करती थी। जब दाई काली कंकाली और जंगो रायताड़ बच्चों को खोजते उनके पास पहुंचे, तब शंभू सिंह ने उन्हें मुक्त करने का रास्ता बताया। पांडी पारी कुपरलिंगों ने आत्मज्ञान प्राप्त किया और उनके संगीत गुरु हीरासुखा पाटालीर के किंगरी के सात सुरों से बच्चों को मुक्त किया गया। उसी ढलान की चट्टान से हीरासुखा पाटालीर की मौत हुई थी। आज भी हीरासुखा पाटालीर की पूजा कोयली कचारगढ़ की गुफा में प्रवेश द्वार पर की जाती है और उसके पश्चात गुफा में प्रवेश किया जाता है। कोया वंशीय गोंड समुदाय में यह किंवदंती आज भी प्रचलित है कि गोंडी सगा देवों को मुक्त करने के लिए हीरासुखा पाटालीर ने बलिदान दिया है, इसलिए सगा देव की पूजा करने के पूर्व उसको स्मरण करते हुए किंगरी बजाना अनिवार्य है। कचारगढ़ गुफा के परिक्षेत्र का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा उत्खनन करने पर वहाँ पाषाण युग से संबंधित प्रमाण प्राप्त हो चुके हैं, जिससे वह अनादिकाल से मानव समुदाय का निवास था, यह सिद्ध हो चुका है। पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग में प्रयोग किए जाने वाले औजार वहाँ प्राप्त हुए हैं, जो इस बात के प्रमाण है कि कोया वंशीय गोंड समुदाय का वह अनादिकाल से धार्मिक स्थल रहा है। ऐसा पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर चंद्रशेखर गुप्त का मानना है। इस पर से जब शंभू ने कली कंकाली के बच्चों को कोयली कचार गुफा में बंद किया था, वह काल अवश्य पाषाण युगीन था। शायद इतिहास को भी पता है कि हम लोग बहुत बुद्धिजीवी थे और हमारी संस्कृति के बेस पे ही बहुत सारी संस्कृतियां बनी हैं। तो मैं सब भाइयों से निवेदन करता हूँ कि अगर आपके पास ऐसी कुछ जानकारी हो जो लोगों तक पहुँचे, तो कृपया नीचे दिए गए ईमेल में मुझे मेल करें, मैं वही जानकारी वीडियो बना के यहाँ पे पोस्ट करूँगा। दूसरी बात दोस्तों, मैंने जो पांडी पारी कुपरलिंगों के पांच तत्व या अपने सगा देवों के नाम ऐसे कुछ वीडियो बनाए, जो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, कृपया उसको चेक कर लीजिएगा और पसंद आए तो कमेंट लाइक शेयर ज़रूर कर देना। लाइक इसलिए कि आपका अगर कुछ बढ़ावा मिलता है तो हमें मोटिवेशन मिलता है, उसके लिए आपका लाइक करना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, अगर जानकारी बहुत सही लगे तो कृपया शेयर कर देना, और आपका प्यार हमारे ऊपर ऐसा ही रहे, इसके लिए जय सेवा।